मैम भाजपा वाले खासकर आदमपुर की सीट को लेकर कह रहे हैं कि हमने घर का उम्मीदवार दिया, लेकिन कांग्रेस और जेएसपी पार्टी भारी उम्मीदवार लेकर आई है, हल्का का उम्मीदवार नहीं है। मैं कहूंगी कुलदीप बिश्नोई भी किराए का उम्मीदवार है और कोई भरोसा नहीं है कुलदीप बिश्नोई का। आज बीजेपी में, पहले उसकी खुद की पार्टी थी, उससे पहले कांग्रेस में था और आगे भविष्य में कहाँ होगा ये कुलदीप बिश्नोई बता सकते हैं। इलेक्शन में दुष्यंत चौटाला जी ने कुलदीप बिश्नोई के लिए वोट मांगे, क्योंकि तब हमारा गठबंधन था बीजेपी के साथ और प्रोटोकॉल के हिसाब से भैया मांगने पड़ते हैं, ठीक है ना। आज भी लोग कहते हैं कि फिर से भाजपा में चले गई जेएसपी पार्टी, फिर कौन चली गई जेएसपी पार्टी, जैसे किंग मोकर की भूमिका निभाई 2019 के अंदर, लेकिन इस बार ऐसा होता है तो कहां चले गए, कहां चले गए? हमने कभी सीट शेयरिंग नहीं करी आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी हमने इलेक्शन इकट्ठा नहीं लड़ा था। जिला परिषद का इलेक्शन हुआ है, पंचायतों को हुआ है। ये जो दुष्यंत के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी ना किसान विरोधी, आज वो लोग उनकी टिकटें जो इनेलो की टिकटें दिल्ली से बंट के आई हैं, जिन्होंने दुष्यंत के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। अभी जेएसपी पार्टी नेता नैना सिंह चौटाला जी आदमपुर में कृष्ण गंगवा के लिए यहाँ पर पहुंची है, पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, चलिए इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। एएसपी पार्टी के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, ये हमारे संतलाल प्रवक्ता हैं एएसपी के, वो भी हमारे साथ खड़े। तो मैं तो ये कहूँगी पूरे आदमपुर की जनता से, जितने भी मेरे पत्रकार छायाकार बंधु आए हुए हैं, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से आदमपुर की जनता से कहूँगी कि बहुत नेक भला आदमी खड़ा किया, बहुत शरीफ है, सारी उम्र लोगों के बीच में रहने वाला है, पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम करने वाला है कृष्ण। तो इसको अपना, इनके पास आदमपुर के लोगों के पास जो एक एक कीमती वोट है वो इनके पक्ष में डालकर चाबी के निशान पर मोर लगाकर कृष्ण गंगवा जी को विजय बनाने का काम करें। जैसे प्रजापति समाज से पहले रणवीर सिंह गंगवा जी को भी आप अपने जिला परिषद पार्षद थे, उसके बाद उनको राज्यसभा, फिर आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से, अब इनको जैसे आपने यहाँ से उतारा, देखो चोई देवलाल से लेके मैं कहूँगी चाहे दादाजी थे, चाहे पिताजी थे, चाहे अजय सिंह जी थे, चाहे दूषक थे मौजूदा, सबने हमेशा प्रजापत समाज का जो है वो बहुत मान सम्मान दिए हैं। उसमें रणवीर गंगवा जी को भी भेजा था, वो पहले उन्हीं पार्टी में थे दादाजी से लेकर पिताजी, फिर अजय सिंह जी के साथ, और कृष्ण जो है वो दुष्यंत के साथ डट के खड़ा है। आज कृष्ण की बारी आई है, कृष्ण को टिकट दी है, आगे कृष्ण का भी मैं कहती हूँ भविष्य जो है वो बहुत उज्ज्वल है। तो अनूप दानव को लेकर ना कोई भी नहीं सोचता था कि अनूप धोखा दे के जा सकते हैं दुष्यंत को, तो ये कैसे क्या हुआ वो तो अनुभव बताएगा। मैं तो क्या बताऊँ, हमने तो देखो विश्वास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब विश्वास तो आजकल मैं कहूँगी कि खुद की औलाद का भी नहीं पता होता, ऐसा ही सिस्टम हो रहा है समाज का कि हम खुद के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं दे सकते घरों में। और अनूप के लिए ये कहूँगी कि हमारी तरफ से हमने उसको हमेशा, और मैंने तो उसको इसलिए, मुझे तकलीफ होती है कि कई चीज़ों में दुष्यंत ने मना किया कि नहीं, जैसे उसके कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात आई तो दुष्यंत ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, पर मैं उसके पक्ष में खड़ी हुई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ है कि जिस अनूप के लिए मैंने हर पल स्टैंड लिया था आज उसी अनूप ने हमें दगा, मतलब नैना जी भाई इलेक्शन में आपने जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के वोट मांगे थे जेएसपी पार्टी में, जिस तरीके से हम बात करें जैसे अनूप धाना को काले झंडे, कहीं विरोध इस तरह का सामना करना पड़ा, उसी तरह से आपके जेजीपी से बहुत सारे विधायक गए, अगले दिन पटका पहना के टिकट थमा दी बीजेपी ने, क्या मानते हैं इसको? देखो बीजेपी ने ये तो 4.5 साल मैं कहती हूँ कि दुष्यंत ने निकाल लिए, बाकी बीजेपी ने हमारे विधायकों को बहुत पहले खरीद लिया था और ये साथ चल रहे थे, तभी तो कोई ना कोई विधानसभा में सुर छोड़ता रहता था। और अनूप जो है वो लास्ट में बिका, मैं ये नहीं कहूँगी कि अनूप पहले उन लोगों के साथ था, अनूप को तो लास्ट में 2 महीने के बाद खरीदारी हुई अनूप। कई बार ना डॉक्टर साहब भी कहते थे वो तो जोटो भी कह के रहनी भी, अनूप जोटे की तरह बिक गया। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि आईएसएम कहने वाले जो टीम वो कहाँ गए, एक बार सवाल भी उन्होंने किया था, कहने के दूसरे जी भी एक तरह से वो गए थे कि हाँ युवाओं ने जोश में है तो युवाओं के साथ लग जाऊँ, युवा मेरे साथ है, तो कहने के धोखा करके गए दूसरे जी के सारे लोग। नहीं वे देखो किसान आंदोलन को लेके लोगों ने हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई थी और वो मुहिम थी कांग्रेस की बहुत बड़ी, उसमें इनेलो भी शामिल थी। आज मैं कहूँगी कि इनेलो और बीजेपी एक है, इनेलो की सारी टिकटों का बंटवारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, मैं कहूँगी मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, उनको तीन उन्होंने कहा भी हमें 3 टिकट्स ऐसी दे दो जहाँ हम मजबूत रहे, बाकी आप सारे वोट्स हमारे से ले लो। कांग्रेस है
जो कहते थे भी जेजेपी के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि आज बीजेपी से कितनी भगदड़ मची हुई है, बीजेपी में आज कांग्रेस में कितनी भगदड़ मची हुई है। पर सबकी निगाह में कौन चढ़ा हुआ था उस टाइम लोकसभा में? दूषण दूषण दूषण। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी को दूषण चौटाला का आज भी एक डर है। जेजेपी और एएसपी ने मिलकर 85 उम्मीदवार उतारे हैं और 3 जगह निर्दलीयों को समर्थन किया। हम हरियाणा की बात करें, बीजेपी दावा कर रही है, कांग्रेस दावा कर रही है, आप कैसा मुकाबला देखते हैं? हम बहुत अच्छे मुकाबले में है और अभी इलेक्शन की शुरुआत है। आप देखना जो ये जिन लोगों को ये कांग्रेस ने जो पैसा इकट्ठा किया है टिकट्स के बहाने, अब मैं आदमपुर की सुन रही थी, कहते 41 लोगों से फार्म भरवाए उन्होंने, टिकट दिए 43वें को, तो क्या वो 41 बगावत नहीं करेंगे? आप 10 दिन बाद देखना कि जो इलेक्शन है उसका मोड ही चेंज हो जाएगा। ये भीतरघाती जो है वो कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, जो भाजपा है वो अति आत्मविश्वास में भरपूर है और ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमेशा इंसान को मारता है, तो बीजेपी अपनी मतलब लक्षणों से मारी जाएगी। अच्छा, करीब 15 साल पहले आप राजनीति में आए थे, 2009 में पहली बार विधायक बने, लगातार 3 बार बनते रहे, तो ऐसा क्या हुआ कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे? दिग्विजय को इलेक्शन लड़वा रहे, अगर एक ही फैमिली के 3-3 मेंबर इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट कौन मांगने जाएगा फिर? कृष्ण जी, आप क्या कहेंगे? मैडम यहाँ पहुँचे और कार्यालय का उद्घाटन भी किया, क्या कहेंगे? मैदान में उतर गए आप? मैं भाई सबसे पहले तो आपके चैनल चाहने वालों का धन्यवाद करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमें आज आशीर्वाद देने पहुंचे। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आगे सभी से अगले जो 25 दिन जो इलेक्शन के भाई अपना खुद का चुनाव समझ के और चाबी के निशान पे बटन दबवा के और यहाँ से विजयी बनवाए। अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा कि ये नहीं कि जो यहाँ पूर्व में जो विधायक बने हैं, कि विधायक जब बने हैं तो वोट लेने का काम किया है, वोट लेने के बाद फिर तो ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ गए। तो कहीं ना कहीं इस बार लगता है कि जेजेपी स्वयं आदमपुर में मजबूत है आज की जैसे भीड़ देखकर इस सबसे? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आदमपुर में मजबूत है जेजेपी। आप जब 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद कहोगे कि जेजेपी कितनी मजबूत है। तो ये थे हमारे साथ नैना चौटाला जी और कृष्ण गंगवा, जिन्होंने जनता के मन में जो सवाल होते हैं उन सभी सवालों के जवाब दिए। बाकी जनता तय करेगी कि किसको हरियाणा विधानसभा चुनाव में बिठाना है, किसको हटाना है। आप लोग कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।